बढ़िया फुल मून है। वेलकम बैक टू द चैनल। दो दिल्ली वाले आ गए हैं मथुरा, जाने वाले थे वृंदावन दर्शन करने के लिए प्रेमानंद जी के, बट सडनली उनका कैंसिल हो गया। हम प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ जा रहे थे, बट उन्होंने पोस्ट डाल दी कि हम आज रात को दर्शन देने नहीं आएंगे, तो हम लोग अब घर से तो निकल चुके थे, अब घर वापस नहीं जा सकते थे, तो हम जा रहे गोवर्धन की परिक्रमा करने। और आपको बताते हैं सारी अपडेट कैसी क्या है रूटीन। अभी तो ट्रेन से आए, अगली बार आते हैं बस से आते हैं अगली बार, बाकी अभी 12 बजने वाले ऑलमोस्ट चलते हैं, पहले करते हैं रिक्शा। 30 से 40 रुपए लगता है यहाँ से। भैया मथुरा से आ गए हैं गोवर्धन में, और यहाँ पर ऑटो छोड़ देता है हमको सामने, यहाँ से सामने, यहाँ से आगे ऑटो नहीं जाता, हमको छोड़ के निकल जाता है। तुम्हारा ही पहली बार है ना? हाँ, मेरा ही पहली बार, फर्स्ट टाइम। भाई दोनों फर्स्ट टाइम वाले हैं, बताते हैं आपको कैसा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है। बाकी सामने ये बोर्ड लगा हुआ दिखा दें चल के, यहाँ से होती है चालू दान घाटी मंदिर बड़ी परिक्रमा प्रारंभ। रात का टाइम है, अभी कितने बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है, बट काफ़ी जगह जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ये दान घाटी वाला हो गया। गोवर्धन तीर्थ में आपका स्वागत है। चलते हैं अंदर, कैसा क्या है देखते हैं, कैसी क्या व्यवस्था है। जाने से पहले हाथ पैर धोना, नहाना, जो भी होते हैं कार्यक्रम, वैसे तो घर से नहा धो के निकले हैं रात में। बाकी व्यवस्था अच्छी है, खाने पीने की यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, सुविधाएं। अगर आप पेट में कुछ डाल के फिर परिक्रमा करने जाने चाहते हैं तो। बाकी ये है रास्ता, आगे देखते हैं कैसा क्या है। भाई परिक्रमा के पहले आप अपने जूते चप्पल ऐसे रख सकते हैं, काफ़ी सारी दुकानें अवेलेबल हैं। कितना था इसका? 10 रुपये पर हेड ना? तो 10 रुपये ये पर हेड पड़ता है, बाकी प्रसाद वगैरह दूध वगैरह आपको जो चढ़ाना है, काफ़ी सारी दुकानें हैं। और हो गए हैं हम परिक्रमा के लिए रेडी, नंगे पैर कुल्ला मुल्ला करके हाथ वगैरह धो के एकदम। परिक्रमा के पहले बहुत अच्छे दर्शन किए गोवर्धन महाराज मंदिर में जाके, जो कि मंदिर ये परिक्रमा मार्ग पर ही है, परिक्रमा चालू करने के जस्ट पहले आप यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे सुंदर दर्शन हुए यहाँ के, उसके बाद करते हैं परिक्रमा चालू। ये हो रही है हमारी परिक्रमा चालू, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। काफ़ी सारे ऑप्शन वैसे भी हैं, ई रिक्शा से आप लगा सकते हैं, बाइकों से। बाकी परिक्रमा चालू हो गई है राइट 1 बजे से, आपको ये भी बता दें कि हमें कितना क्या टाइम लगा, कितना टाइम लगना चाहिए भाई? अब ये तो पता नहीं, 2-3 घंटे, 4 मैक्स, हम 5 घंटे में खत्म कर देंगे इसको। चलो करते हैं, बुलाया गोवर्धन महाराज ने तो करवा लेंगे परिक्रमा। परिक्रमा मार्ग में काफी कुछ खाने पीने को भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको प्यास लगती है या थोड़ी बहुत भूख लगती है, जैसे कि अभी चल रहा है पानी का लेन देन। गोवर्धन परिक्रमा लगाते लगाते इतना सुंदर दृश्य देखने को मिल जाता है, मन खुश हो जाता है, कितना सुंदर दृश्य है ना। ये गोवर्धन के दृश्य है भैया, परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले गांव वगैरह सबकी डिटेल भी है यहाँ पर दी हुई है। थोड़ी सी भीड़ कम है, बाकी हाँ लोग हैं आगे पीछे, लोग आ रहे हैं, कुछ गाड़ियों से लगा रहे हैं। गोवर्धन का आनंद तो अलग ही है भैया, रास्ते का बहुत प्यारे प्यारे दर्शन होते हैं, इतने प्यारे प्यारे दर्शन होते हैं रास्ते में। जय गोवर्धन महाराज। परिक्रमा में आनंद तो बड़ा आ रहा है, बड़ा आनंद एकदम, जगह जगह अलग अलग ठाकुर जी देखने को मिल रहे हैं, गोवर्धन महाराज देखने को मिल रहे हैं, अच्छे सुंदर सुंदर मंदिर विग्रह, आनंद है भैया आनंद परिक्रमा में। परिक्रमा में रात में अभी 2-2.5 बज रहे हैं, लेकिन चकाचौंध ऐसी है कि जैसे दिन चल रहा हो। अच्छे अच्छे खाने पीने के भी, अगर आपको खाना पीना है, भूख लग रही है, गन्ने का रस वगैरह, काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, बिल्कुल एकदम रात में दिन कर रखा है भाई। बीच बीच में इंडिकेटर भी लगे हुए हैं, आपको बताएंगे कि आपकी तय की गई दूरी कितनी हो गई है, जैसे कि ये परिक्रमा मार्ग पर ही मुखारविंद मंदिर के पहले आप कर सकते हैं थोड़ी सी शॉपिंग भी, कान्हा जी के लिए, अपने घर वाले कान्हा जी के लिए खिलौने आदि उनके लिए, अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं काफी साइज के हिसाब से। अच्छा भाई बानर से ना हमारी सो रही है अभी, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है पास जाके। यह है मुखारविंद मंदिर, जो कि रास्ते में ही पड़ता है परिक्रमा मार्ग के। भाई हमारी एक बड़ी जो 11 किलोमीटर की परिक्रमा होती है वो हो गई है पूरी, अभी छोटी रहती है। बड़ी हमने वहां से चालू की थी, तो वहीं से आप देख सकते हैं सामने मंदिर, वहीं से रूट जाता है पूरा, फिर वो घूम के यहाँ से इस गली से आता है, यहाँ पूरी हो जाती है, यहाँ से फिर होती है एक और परिक्रमा चालू,
जो कि छोटी परिक्रमा कहलाती है, राधा कुंड वगैरह से होके जाती है। तो देखो करते हैं उसको चालू, कैसे करते हैं सोच रहे हैं, थोड़े थक भी गए हैं, हो सकता है कि रिक्शा से करें या पैदल करें, बताते हैं आपको कैसा क्या है चालू। सामने आप बोर्ड देख लो छोटी परिक्रमा का, ये है छोटी परिक्रमा मार्ग वाला रास्ता। ये छोटी परिक्रमा मार्ग में चलते चलते आ जाता है रामलीला मैदान राधा कुंड वाला, और ये गली में शायद 200-250 मीटर आगे जाके है राधा कुंड, और उसके बाहर हैं काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें। अभी लग रही है हमारी राधा कुंड की परिक्रमा, उसके बाद करते हैं दर्शन राधा कुंड के। काफ़ी लोग राधा कुंड के परिक्रमा मार्ग में ही आपको मिलेगा ललिता कुंड। जय श्री राधे राधा कुंड से। ये है राधा कुंड, बोलो राधे 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 राधे। 5:30 बज गए, चारों तरफ मंगला आरती चल रही है हर मंदिर में। राधा कुंड के जो हमने चक्कर लगाए थे, परिक्रमा दी थी, हर मंदिर में मंगला आरती चल रही है सुबह सुबह, इतना अच्छा लग रहा है। और यहाँ का तो आनंद अलग ही है। भाई सुबह के बज गए 6:01 से चालू की थी, 5 घंटे में हो गई परिक्रमा पूरी, और वापस आ गए हैं उस मंदिर पे जहाँ से की थी परिक्रमा स्टार्ट।